कि आज बीजेपी का अगर हमने मैनिफेस्टो देखा उसमें एक बहुत गलत कानून वो लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो है NRCCA। NRCCA का यही फुल फॉर्म होता है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस और सिटीजंस अमेंडमेंट बिल। कि NRC में नाम आने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमको कागज दिखाना पड़ता है कि हम या हमारे पूर्वज 3 पीढ़ियों से इस जमीन पे रह रहे थे, इस जमीन पे कस रहे थे, या भारत देश में हम किधर ना किधर तो रह रहे थे। अभी यहाँ पे जो भी मुसलमान नहीं है, मैं उन सब से पूछना चाहता हूं कि आपके पास है कागज, आप ये साबित कर सकते हो कि 3 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज भारत के जमीन में थे। NRCCA का टारगेट सिर्फ आप लोग नहीं है, उसमें हम लोग आपके साथ खड़े हैं। यहाँ के दलित हो गए, बहुजन हो गए, पारधी समाज बोल दो, उनको बचपन से कुछ भी किधर भी चोरी होता है तो पारधी समाज के हमारे भाई को उठा के लेके जाते हैं। उनके पास कहां से आएगा डॉक्यूमेंट? जो VJNT बोलते हैं, आपको VJNT पता है, भटके विमुक्त, वो एक गांव से दूसरे गांव घूमने वाली भटकने वाली जमात है, उनके पास कहां से आएगा पेपर कि हम 3 पीढ़ियां इस जमीन पर रह रहे थे। हमारे तृतीयपंथी समाज, ट्रांसजेंडर जिसे हम बोलते हैं, हिजरा जिनको हम बोलते हैं, वो तो 11-12 की उम्र पे घर से उनको निकाला जाता है, उनको कोई डॉक्यूमेंट देके निकालता है क्या? वैसे ही घर छोड़ के चले जाते हैं। आदिवासी बांधव जो जंगल में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, बंजारा समाज जो तांडों में रहता है, उनके पास कहां से आएंगे डॉक्यूमेंट्स? और उससे भी बेहतर, अगर कोई ब्राह्मण हो, मराठा हो, मारवाड़ी हो, कट्टर बीजेपी का वोटर भी हो और उनका किसी अवकाश में घर गया हो, चाहे आग में जल गया हो, भूकंप आया हो, पूर में बाढ़ आने की वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना, गांव बसाना पड़ा हो, उनके डॉक्यूमेंट्स पानी के नीचे गए हो, भूकंप में दफनाए गए हो, वो कहां से लाएंगे डॉक्यूमेंट? और मैं इसीलिए आप सब के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि NRCCA सिर्फ यहाँ के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो यहाँ के सारे मजलूमों और वंचितों के खिलाफ है। और भाई मैं आपसे ये वादा करता हूँ, NRCCA की जंग में हम आपके साथ अंत तक जुटे रहेंगे।